सफाई व्यवस्था को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस महिला प्रधान ने वार्ड और पैक का किया दौरा। लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जल्द ही परेशानियों से निजात दिलाने का दिया आश्वासन। ऐसा ही सोमवार को सुबह महिला कांग्रेस अध्यक्ष के फेसबुक पर पंजाब विश्वविद्यालय के रहने वाले एक सोशल वर्कर ने कमेंट लिखा था कि पंजाब विश्वविद्यालय की ब्लॉक सी और डी का बहुत बुरा हाल है, गंदगी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बार बार बोलने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनी दीपा दुबे ने मौके का दौरा किया और देखा कि पंजाब विश्वविद्यालय के घरों के आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बिंदिया हॉस्टल के पीछे मेस जो बने हुए हैं उनके ये शौचालयों का हाल है। शौचालय ले लीजिए, बाथरूम ले लीजिए, या स्नान घर है, इसकी हालत देख लीजिए आप क्या है। ये 8 घरों की एक फैमिली है, 8 घरों को एक बाथरूम ये दिया गया है। ये नहाने का है, ये लेडीज के नहाने के लिए है। और ये देखिए इसमें कितना बड़ा जो है वो होल हुआ हुआ है। दरवाजे जो है वो टूटे हालत में है, क्या खस्ता है, चौकाट तक नीचे उतरी हुई है। ये रोशनदान है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इधर टॉयलेट्स को देख लीजिए, टॉयलेट्स का हाल देख लीजिए, क्या क्या बदतर और दर्दनाक हुआ हुआ है। इधर दरवाजा टॉयलेट का देखिए, इधर कोई सुनवाई नहीं करता जी। दरवाजा देखिए जो टूटा पड़ा है, और कौन लेडी या कौन महिला अंदर जाके या बच्ची अंदर जाके अब इसको यूज कर सकती है। यहाँ हमारे साथ यहाँ के रेजिडेंट रहने वाले हैं, उनकी दुखदरी आवाज को आप सुनिए और तब आप समझेंगे कि हाँ ये है स्मार्ट सिटी का असली चेहरा। बोलिए भैया। आप पूरा दिन दरवाजे बुरा हाल है, अब महिला कहाँ जाएंगे, आदमी तो कौन तरह इधर चलेंगे, महिला बच्चे कहाँ जाएंगे, बुरा हाल है दरवाजे। ये मैं इनके बाद मैं एप्लीकेशन दिया पैक वाले को, ये नहीं कोई सुनवाई नहीं किया। कहते मेंटेनेंस वाले कहते मेरे पास मत आओ, मेरे पास कोई सामान नहीं है, जो करेगा कॉलेज वाले करे। ये हालत कब से है भैया? ये हालत कम से 6 महीने, एक साल हो गया जी। मैंने एप्लीकेशन भी दिया डायरेक्टर ऑफिस, वो भी कहते मैं करवा दूँ, हाँ कर ले, जवाब नहीं देते। वो कहते मेंटेनेंस में जाओ, मेंटेनेंस वाले मना करते मेरे पास मत आओ। ये कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो आपको ये अपनी आप बीती सुनाएंगी। बोलिए मैम, आप यहाँ पे संतुष्ट हो इन बाथरूमों से? नहीं मैडम, नहाने में बहुत परेशानी आती है, और जैसे नहाते हुए भी दरवाजे में कुंडी नहीं लगती है, जैसे दरवाजा खोल देते हैं फिर भी दिक्कत होती है। लैट्रिन भी वही हाल है, तो क्या करें, नहाने के लिए लैट्रिन करने के लिए कहाँ जाएं। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ मेरे को हो गए 21 साल रहते हुए मैडम। 21 साल हो गए। आप ये बताइए कि यहाँ पे जितने घर हैं उसमें कितने लोग रहते होंगे? सभी कमरों में मान के चलो कि 5-5 फैमिली है। आप ये देख कितने कमरे हैं यहाँ? 8 कमरे हैं। अगर हम 5 से इसको गुना कर ले जाए तो 8×5 आप सोच ही सकते हो, 8×40 लोगों का ये 2 बाथरूम और 2 ये टॉयलेट्स, और उस हालत किन हालातों में हम रह रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमारी जो सरकार, हमारी सांसद, हमारे काउंसलर ये सोच रहे हैं कि हम एक स्मार्ट सिटी के बारे में सोच रहे हैं। भैया ये ओरिजिनलिटी है आपके स्मार्ट सिटी की, ये वो स्थान है जो पैक का, जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और जिन बच्चों को खाना बनाने के लिए लोग मेस में काम करते हैं उनका ये हाल देखिए, वो कहाँ कौन सी स्वच्छता में रह रहे हैं और आपको कितनी सारी बीमारियों से वो आज की डेट में जूझ रहे हैं। इन चीज़ों के लिए ही आज हमने यहाँ दौरा किया, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स हमें बहुत दिन से आ रही थी और ये सच्चाई आज सामने आई कि हम जितना मर्जी स्वच्छता के नाम पे या सफाई के नाम पे बोलते रहे, हमारा जो डिपार्टमेंट है, अभी आपने भैया से सुना कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहता है तुम यहाँ से जाओ, जिसका जो कार्य है अगर वो नहीं कर पाता, मैं ये भैया आप लोगों को पूर्ण विश्वास से कहती हूँ कि अगर आपको कोई मेंटेनेंस वाला या कोई कॉर्पोरेशन वाला व्यक्ति जिसको इस चीज़ के लिए काम करना है, अगर वो ये काम नहीं करने को तैयार होता तो बनती कार्रवाई उसके अगेंस्ट की जाएगी और आपको कुछ ही दिनों में ये सब सिस्टम सेट करके दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को हमें लिखना पड़े, कॉर्पोरेशन को हमें लिखना पड़े, उनको ये चीज़ें अवगत ही नहीं कराई जाती। अब कोई रिश्तेदार आ गया तो अपने चौक चल जाता, कोई रिश्तेदार आ गया फैमिली, ये कहते कैसे गंदे लोग रहते दरवाजे। आप ये देखिए कि इस दरवाजे का हाल देखिए, इस दरवाजे में आधा दरवाजा ही नहीं है। यहाँ पे लड़कियों ने, बहनों ने, माताओं ने नहाना है और ये हालत है जहाँ हम कह रहे हैं हमारे आने वाले जो बच्चे सिटीजन बनने जा रहे हैं
वो लोग यहाँ पे इस दर्दर दिशा में रह रहे हैं। शर्म आती है ये कहते हुए कि हम बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, एसी रूम्स में बैठते हैं, लेकिन जब गरीब के पास आके देखो तो हम उसके लिए क्या करते हैं। ये देखो दरवाजा क्या है। आज मैम आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया है, किस मकसद से और किस कार्रवाई के लिए आपने ये दौरा किया है, प्लीज बताइए। हाँ जी, आज मुझे सुबह फेसबुक के ऊपर एक कंप्लेंट मिली, मिस्टर संजीव वर्मा करके हैं, सोशल वर्कर यूनिवर्सिटी के। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ के सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ग्राउंड्स का बहुत बुरा हाल है, बहुत दयनीय दशा में हम रह रहे हैं। उन्हीं उसी कंप्लेंट के मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज यहाँ का दौरा किया। मैं वार्ड नंबर 2 की ही रेजिडेंट हूँ और महिला कांग्रेस चंडीगढ़ की प्रेजिडेंट हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत ही दयनीय दशा में लोग रह रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे कूड़े का भंडार लगा हुआ है और लोगों के घर बिल्कुल 10 फुट की दूरी पे हैं। आप देखिए यहाँ की क्या हालत है, जगह जगह गड्ढे ग्राउंड्स में हैं। कोई भी अगर देखा जाए तो मोदी जी द्वारा चलाए गए अभियान को कि जी हम सफाई का अभियान चला रहे हैं, हम यहाँ सफाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है कि ग्राउंड लेवल पर कोई वर्क नहीं हो रहा। दुनिया जहान का जो गंद है, मुझे लगता है कि वो इतनी सुंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों के घरों के सामने है। देखिए कैसी दुर्दशा में लोग रह रहे हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से अपील करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का को ठीक किया जाए और ताकि लोग एक स्वस्थ जीवन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से रंजीत शामी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।